ठीक है। ये ड्रम है, हाँ जी, ये ड्रम फूड ग्रेड है, केमिकल वाला ड्रम है, हाँ जी, हैं? हाँ जी, की गल होगी, शर्मा रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, ये इसके अंदर सारा गंद है, गंद है ना, इसके अंदर कैमरा मारे हैं जी, अब मुझे इसके अंदर हाथ मारना पड़ रहा है सारों के लिए। हेलो, ये शॉपर अंदर पक रहा है, ये क्या चीज है जी? ए मुर्गी काले रंग की कड़ी मुर्गी होंगी भाई। हेलो भाई जी, ठीक है, सेहत अच्छी है? शुक्र अल्लाह। ए गंदे नाले तो की बनाई जा रहे हो यार? दमची पर बना रहे सर। हां, दमची पर। दमची पर, ते जेड़े इत्थे बन रहे हैं वो साफ होएगा? हां जी। कैसे? जैसे हैं, इधर इधर मुंह करके दिखा ना, ऐसे ऐसे साफ हो जाएगा। जी जी, हाथ से साफ करते हैं। ये तो केमिकल वाला ड्रम है, आपको पता है, फूड ग्रेड तो है ही नहीं है, केमिकल वाला ड्रम है ना। मुझे नहीं पता, कभी इन्हें डीजल पेट्रोल मोबिलाइल, कभी इसमें रंग, ये वो वाले ड्रम है ना बेटे, उसमें पकाई जा रहे हैं आप, ये तो केमिकल वाले ड्रम है और उनके अंदर आप पकाई जा रहे हो, और फूड अथॉरिटी वाले कोई कुछ पूछने को तैयार नहीं है। ये कड़छा अंदर ही लाओगे, सोटा जो है, और उसके बाद ही गर्म हो जाएगा, पर निकालोगे और बेच दोगे। कितने रुपए किलो बिकती है ये दुमची? हाँ, 220 रुपए। 220 रुपए। और ये वो चीज है जो गाहक लेता ही नहीं, छोड़ के चला जाता है जब मुर्गी लेने आता है, ऐसे ही है ना। और ये प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट है उसको तो सही तरीके से कमा लो साफ करके। एक ही है ये दुमची पर है। ये कहाँ से लेके आए हैं? ये रायवंड से। रायवंड से यहाँ पर सिर्फ बनवाने के लिए लाए हैं जी। कितने हैं जी? दो तीन, तीन तोड़े है ने? हाँ जी। पांच छह शॉपर है ने? हाँ जी। कितने को किलो होगा? क्या कितने को किलो होगा? ये तकरीबन 17-18 रुपए किलो लेके आते हैं। 17-18 रुपए किलो लेके आते हैं, और आगे इसको तैयार करके ये 250-300 रुपए किलो बिकते हैं जी। ऐसे ही है? हाँ जी। इसमें सफाई सफाई का ख्याल है? कोई नहीं है। क्यों नहीं ये है? सफाई तो नहीं है कहीं पे भी? ये तो बड़ा गलाजत है यार। नहीं, गलाजत है। ऐसे ही है ना? अच्छा, गलत तो नहीं कह रहा? अगर गलत कह रहा हूँ मेरा भाई रोक दे। ठीक, अगर लगे कि मैंने गलत कहा है मुझे यही रोक दो। ठीक, मैं गलत तो नहीं कह रहा कि गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं। बेचते किसको? गाकू कस्टमर को। किस कस्टमर को? जो सा आज मार्केट में जाके बेचते जी। किस दुकान पे? दुकान का मुझे नहीं पता, बड़ा भाई बेचता है। वो बड़ा भाई कहाँ से नाजिल होगा, कहाँ पे है? वो इधर नहीं है। आपने कभी वो दुकान नहीं देखी है? नहीं, मैं नहीं जाता। पूरी मार्केट में यही गंद बिकता है ना? हाँ जी। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। ठीक है, शुक्र अल्लाह दा भाई, सेहत अच्छी है यार। दुमची शुमची जेड़ी इत्थे बन रही होंदी, ओह कित्थे जाके बेचदे ने? ओए बड़ी जगह ते जांदे सर। मिसाल दे तौर ते ए पेशावर कोटा इधर बिकती है। हर जगह इस मार्केट में बिकती है? हाँ जी। ए टोलिंगटन मार्केट भी बिकेगी, शहर इच भी, बैनू सुबाई भी जाएगी, यानी सुबह तो बाहर भी जाएगी। हाँ जी, दूजे सुबह है, हर साइड ते जाएगी भाई। ए तो लाहौर दी दुमची? हाँ जी भैया। ते ए दुमची दी तैयारी है नाले ते ही है? हाँ जी भैया। खुश हो रहे हो? हाँ, खुश ही होना, और की रोना है? सब ठीक है, रोदी लगी गरीबा दी, और की भैया। रोजी लगी है भाई, किसका काम है गंदगी में हाथ लाने का? काम गंदगी है ना, बिल्कुल रोजी के लिए हाथ मार रहे हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। मुलाजमत कर, दिहाड़ी कितनी लेते हो? दिहाड़ी 200 रुपए। ना करो, 200 केड़ी दिहाड़ी होती है यार? 2 घंटे काम करना होता है भाई, बस बस 2 घंटे काम किया और फिर निकल गए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कलेजी पोटे की और ये दुमची की मार्केट है सारी नाले पे? नहीं, इसमें मुर्गी का ओवरऑल काम होता है और स्पेयर पार्ट का भी काम होता है सारा। स्पेयर पार्ट क्या होता है? स्पेयर पार्ट मुर्गी के मुख्तलिफ पार्ट्स को स्पेयर पार्ट बोला जाता है। वो चीजें जो लोग छोड़ के चले जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुर्गी को जो है ना वो जिबा करते हैं, उसके बाद उसके सारे पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं, जैसे गर्दन अलग, उसकी टेल अलग, उसके पार अलग, उसकी मतलब जो है वो ड्रम स्टिक अलग, ऐसे करके सारे पार्ट्स अलग अलग करके बेचे जाते हैं। इसी तरह जैसे कस्टमर की डिमांड होती है वैसे सेल करते हैं। ठीक हो गया। ये ड्रम जो है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये ड्रम इनको गर्म करके इसमें डोबा लगाया जाता है और दुमची पर तैयार होता है इसमें से। अच्छा, तो उसके लिए जरूरी है ना कि ड्रम साफ हो?
सर एक्चुअली इनके ना नीचे आग डेढ़ में साफ हुआ होगा मेरे सर मेरी बात सुने, इनके नीचे जो है ना ये आग जलती है तो डेली इनका काला होना इनका काम है, काले हुए में बाकी ये साफ है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो फूड ग्रेड है, फूड ग्रेड मील, फूड ग्रेड ड्रम है सिल्वर स्टील के जी, नहीं है ना लोहे के ड्रम है, लोहे के सर केमिकल वाले ड्रम है ना, हमें तो नहीं सर इस बात की कन्फर्म नहीं है, हमें ये नजर आ रहे हैं, हमें ये कन्फर्म नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये, यहाँ से दुमसी पूरे मुल्क में जाती है लॉस है जी, बिल्कुल जाती है, अब यहाँ पे पिशावर भी जाती है, ये पठान लोग इधर आए हुए वो खरीदते हैं और मेरे ख्याल में पूरे कंट्री में सेल हो रही है रोजाना जी। उसके लिए फिर अब जो चीज हम पूरे मुल्क में भेज रहे हैं जी, खाने वाले को नहीं पता ये किस माहौल से आ रही है जी, ये गंदे नाले के इस गलाजत वाले और इस बीमारी वाले माहौल से ये जाएगी जी, तो किसी को नहीं पता कि वो क्या खा रहा है। अब देखें सर इसमें मसला ये है कि ये जो गंदगी वाला मामला है ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, अच्छा। पब्लिक के बेचारे तो कुछ नहीं कर सकते, अब ये रोड का हाल देखें आप, इस नाले का हाल देखें, फूड अथॉरिटी ड्रम ले आके, फूड अथॉरिटी क्या करेगी, फूड अथॉरिटी आएगी जुर्माने याद करके चली जाएगी, असल में ये बेसिक काम है गवर्नमेंट का, अगर वो नाले की सफाई करे सारे मामला हल करे, सफाई हो अवेयरनेस पैदा की जाए आवाम में तो बिल्कुल सफाई। आपको पता है कि ये जगह जो ये कब्जे बैठे हुए सारे, बिल्कुल नहीं, ये एलडीए ने गिराई थी और उसके बाद जो जगह वैलिड है जो जगह मतलब है वो ही है। ये दीवार है जी नाले के बिल्कुल साथ, इतने करीब दीवार हो सकती है भाई, कोई नक्शा बना भाई उन्होंने परमिशन दी हुई है ये दीवार, इसी वजह देखे ना आप ये सारा पहले इधर तक था वो उधर तक, लेकिन इन्होंने बाद में जो है ना इसको कट किया। असल मौजू की तरफ आते हैं जी, बताएं ये तो मामला हो गया, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और हमने क्या ख्याल करना है? देखें ये हमारे मैं तो समझता हूँ कि सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, अकेली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती और अकेली पब्लिक भी कुछ नहीं कर सकती, अच्छा असल में ये है कम्युनिटी का काम, तो सबको चाहिए कि मिलजुल के ये मामला हल हो सकता है, सफाई वाला सफाई निस्फ अमान है, सफाई रखनी चाहिए, सफाई निस्फ अमान है, पर मेनू ये कख नहीं नजर आ रहा और इसके अंदर सब कहानियां सर आप सब बातें इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि यार मैं चोर नहीं है पाइन ए चोर है क्या, मैं कुछ नहीं कीता पाइन एने कीता है क्या, वजह ये है कि खाने वाले का हक सबसे पहले है, उगाने वाले का बनाने वाले का इन सबसे होके जिसके मेदे से गुजरना है उसका हक पहले नंबर पर है। पंजाब फूड अथॉरिटी अरबा रुपए सालाना इन पर लगाए जाते हैं, लेकिन यकीन माने कि अमली तौर पर हकायक यही है जो हम आपको दिखा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है अल्लाह का शुक्र। इधर रिहायशी हैं, इधर कारोबार करते हैं या कोई बस कारोबार ही करते हैं, कारोबार के लिए आते हैं इधर। अच्छा हाँ देखने आते हैं क्या हो रहा है। नहीं काम क्या है हमारा? हमारा काम यही है टाइलो वगैरह का, टाइलों का। हाँ जी हाँ जी, इतने टोलेंटन मार्केट के गंदे नाले थे जिते सारी ये गंद बला पई है, टाइलां लाना है? टाइला नहीं लगाने, टाइलो का आता है ये साबुन का, सो मटेरियल साबुन बनता है इससे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चर्बी जो आती है ना ये जाती है उधर फैक्ट्रियों में, इसको हमारा साबुन का काम है, साबुन साबुन का ये काम, साबुन में इस्तेमाल होती है ये। ठीक हो गया, ये साबुन इससे ही बनता लेकिन है, लेकिन ये जो उबल रही है तो बारबेक्यू में इस्तेमाल ये होती है ये, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है। गंद है, बीमारी है सर, गंद है, ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, उनका काम है इसको कंट्रोल करे, इनको कंट्रोल करे, इनको बर्तन अच्छे, गवर्नमेंट का कोई साडा बर्तन भी गवर्नमेंट ने देने ना ना ना, बर्तन ही अच्छे ले आन, गवर्नमेंट इन्हां नु बुलाएगी, नाला बंद करवावे ते टायर पत्थर करवावे, अच्छा डब्बे रखे जान कचरे वास्ते, डब्बे लादा रखे जान कचरे। मैं ते एक और गल कहना, अगर ऐसे मुतालबात है ना गवर्नमेंट कहने सारे काम छड़न ए चला ले सारे काम छड़ने, नहीं 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 भांडे भी वो पूरे कर दे, देखो देखो सारे देखो जिस तरह देखो, नहीं 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 देखो एक जिस तरह फिरोजपुर रोड सड़क बनी है ना उथे रोजाना सफाई हुंदी है, वाश वाली गड्डियां हुंदियां, उंदी वाश वाली गाड़ी नहीं आ रही सफाइयां, एथे भी उस तरह सड़क बने ये कंट्रोल करन ये बर्तन अच्छे इन्हां नु, अगर फूड अथॉरिटी और गवर्नमेंट चाहे तो इस रिज़क की बेतौकीरी को बचा सकते हैं, साफ कर सकते हैं रिज़क को महफूज़। हाँ जी हाँ जी, बना सकते हैं, बना सकते बना सकते हैं, फूड वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ आते हैं इनके मुताबिक। हाँ जी, लेकिन गंद तो पहले से ज्यादा बढ़ जाता है हर दिन, लेकिन वो कंट्रोल करके जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनको सहूलत दे सड़क की, ये नाला बंद हो जाए ये इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे लोग। यानी हमारे घर के बाहर गंद पड़ा होगा तो घर के बीच गंद पाना साड़ी जिम्मेदारी है, बारला गंद बारले नहीं उठाएंगे, अंदर मैं खुद गंद डालूंगा, ये मौकफ है तकलीफ दे मौकफ है। आप लोगों के पास दुमची है यहाँ पे? जी है। ये कितने रुपए के जी है? ये 550 की है, 2 किलो की, 2 किलो की पैकिंग 550 रुपए की, तो ये यही मार्केट से ही जाती है और पैक होके आती है? नहीं, ये हमारे पास कंपनी से ही आता है स्टॉक। ये कंपनी कोई है जी, इसकी फैक्ट्री कहाँ पे है जी? जेल रोड पे जी, शाद मान, तो यही जगह बन रही है पटकी हमारे यहाँ से? नहीं रेडी होके नहीं, इसका एड्रेस आ रहा है 5A शादमान कॉलोनी
अब ये इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, ये तो किसी घर का एड्रेस है। मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर हमारे यहाँ से नहीं इसकी सप्लाई जाती तेल की। लेकिन ये एड्रेस किसी कमर्शियल एरिया का तो है ही नहीं। 5A शादमान कॉलोनी नंबर 1 जेल रोड लाहौर। अब आप खुद अंदाजा लगाएं नाजरीन कि क्या वाकई ही ये शादमान इंडस्ट्रियल एरिया है। हम इस एड्रेस को फॉलो भी करेंगे, तमाम एड्रेसेस लेंगे, हम उनको फॉलो भी करेंगे कि ये दुमची का जो बिजनेस चल रहा है क्या ये इस गंदे नाले से आपकी पेट तक है, और इस तमाम जिन में पंजाब फूड अथॉरिटी का क्या किरदार है। सेल्स पॉइंट जो है उनके ऊपर मेरा कैमरा अगर पैन करके आए तो इस किस्म के सर्टिफिकेट्स लगा दिए जाते हैं जिनको बुनियादी तौर पर इजाजत दे दी जाती है। थोड़ा साइड पर सर, फूड अथॉरिटी की जानिब से कि जनाब हमने इनको परमिशन दे दी है कि बिजनेस